हेलो दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टर हैं तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टर के सामने है कि अब क्या करें। क्या मार्केट यहाँ से रिबाउंड करेगा? मार्केट ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया 25,000 का, और उसके बाद यूएस रिसेशन के डर से एक अच्छा डाउन साइज देखा निफ्टी में 4% का, लेकिन वहां से एक स्टेबलाइज होके जहाँ मार्केट 23,900 तक गया और वहां से रिबाउंड होके अब 24,300 के आसपास अब स्टेबलाइज हो रहा है पिछले 3-4 दिन से। तो अब इन्वेस्टर्स क्या करें? क्या नया पैसा लगाने के लिए अब मार्केट तैयार है, फिर से रिबाउंड के लिए एक नया हाई दिखाने के लिए तैयार है, या फिर एक और डाउन साइड अभी दिखता है? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इस सिनेरियो में एक ऐसा सेक्टर जरूर है जहां पे अगर आप एक बास्केट बनाते हैं अच्छे लो वैल्यूएशन एनर्जी स्टॉक्स की और पावर स्टॉक्स की, तो आपको जरूर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि एनर्जी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको रिसेशन अगर ग्लोबल से गिरेंगे मार्केट मिनिमल इंपैक्ट होएगा। तो बुल मार्केट गिरेंगे तो स्टॉक्स पे डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, लेकिन इंपैक्ट मिनिमल होएगा और रिबाउंड सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि इंडिया पावर हंग्री कंट्री है, मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ के चलते जो डोमेस्टिक पावर की रिक्वायरमेंट है वो ईयर ऑन ईयर समर्स में बढ़ रही है, प्लस गर्मियों का सीजन हर साल एक नए हाई दिखा रहा है जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, प्लस स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी नीचे गिर रहे हैं। तो $76 पर बैरल पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस आ गए हैं, और जो व्यू लगता है कि ये डाउन साइड और नीचे दिख सकता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस और गिर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। तो इन सब सेक्टर से जुड़े हुए हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, अच्छे वैल्यूएशंस के अच्छे पोजीशन पे हैं, उनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एज SIP ऐड करते हैं मंथली बेसिस पे, तो अगर मार्केट गिरता भी है तो आपके प्राइसेस एवरेज आउट होंगे, प्लस आपको एक अच्छा रिटर्न का पोटेंशियल मिलेगा आने वाले 1 साल के अंदर। तो क्विकली बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक पे जाने से पहले हम US ऑयल के प्राइसेस पे एक बार नजर देख लेते हैं। Jan 22 में ऑयल का प्राइस था $120 पर बैरल, जो जून 22 से कॉन्स्टेंटली गिर रहा है और नीचे में अब आके देखिए यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया है ऑलमोस्ट $72.82 की रेट पे, और वहां से करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड $77 पे। तो अगर यहाँ से और गिरावट आती है तो नीचे में ये अराउंड $72 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अगर गिरावट आती है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इसका सबसे होता है बड़ा ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एनर्जी सेक्टर से जुड़ी सबसे पहली कंपनी हमारे रडार में जो है, इसका नाम है TPCL। टेक्निकल पे आने से पहले क्विकली क्विक फंडामेंटल देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा पास्ट में PSUs ने बहुत ही अच्छा रन अप दिखाया है, लेकिन इसके बावजूद करंट वैल्यूशन देखें तो स्टॉक का जो PE है वो 7.42, तो बहुत सस्ते वैल्यूशन पे। ROC और ROE 41.9 और 32.1 ROC, पैग रेशियो 0.26, इसका मतलब बहुत ही अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ आगे नजर आता है, और बुक वैल्यू टू करंट प्राइस जो रेशियो है तो ये 1:2 के रेशियो पे, इसका मतलब कि करंट जो प्राइस है वो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन है अभी भी, तो ऊपर में एक अच्छा अपसाइड नजर आता है। तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के साथ में स्टॉक अवेलेबल है। अब इसके टेक्निकल्स पे देख लेते हैं, हमारे सामने BPCL का वीकली चार्ट खुला हुआ है। तो BPCL ने इस पॉइंट पे नवंबर 2017 में एक लाइफ टाइम हाई बनाया था, जो कि प्राइस दिन था एट 274। वहां पे मल्टीपल टाइम्स इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, ब्रेक नहीं कर पाया। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली रहे। इस चैनल पे हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं, और उसको हम स्टडी करके वैलिडेट करते हैं बाद में कि क्या हमारी स्टडी या नहीं रही, और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट स्पैन ऑफ देखिए 17 से लेके यहाँ 24 तक, इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट 7 ईयर का कंसोलिडेशन पूरा किया और यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देके स्टॉक ने एक अपसाइड दिखाया है। अब इसको हम थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि अच्छी विजिबिलिटी आए। तो इसको अब डेली चार्ट पे ले आते हैं। डेली चार्ट को देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ था और इसके बाद स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया इस पॉइंट पे, जो प्रेस था अराउंड 329 रुपीज। तो 329 पे कब से? ऑलमोस्ट फैब से। तो फैब के पॉइंट से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है और फैब से लेके अब इसने अच्छा 4-5 महीने का कंसोलिडेशन शो किया। और देखिए नीचे में जो इसका लाइफ टाइम हाई ब्रेक हुआ था 274 रुपीज, ये पॉइंट इसको ब्रेक नहीं किया एक बार भी, ये जो किया था इसको हम इग्नोर करेंगे, ये एक नॉइस है। तो इसका मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट स्टॉक का बन गया है
274 रुपीज, जिसको जिसकी उम्मीद मिनिमल है कि ये अब यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हमने कई इवेंट देखे, बजट का सेशन आया, रिजल्ट की फ्लक्चुएशन आया, रिसेंटली जो भी ग्लोबल मार्केट गिरे उसका टाइम आया, लेकिन स्टॉक ने 274 को नहीं ब्रेक किया तो 274 सबसे इम्पोर्टेंट एक स्टॉप लॉस पॉइंट हो जाएगा। और ऊपर में 329 एक जो हाई बनाया था स्टॉक ने पिछले वीक के अंदर, उस पॉइंट को भी ब्रेक करने की कोशिश करी और ऊपर में एक नया हाई बनाया यहाँ पे, जो ऊपर में एक लेवल दिखा है एट अ प्राइस ऑफ 359। अब 359 रुपीज का इस पॉइंट पे हाई दिखा के स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन के बाद अभी अराउंड 333 रुपीज चल रहा है। तो हमारा इसके नीचे कौन सा एक अच्छा ब्रेकआउट पॉइंट था, ये वाला 329। तो 329 हमारा एक बहुत ही अच्छा एक इमीडिएट सपोर्ट है और उसके नीचे 274 तो सॉलिड स्टॉप लॉस है और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 359 रुपीज है, क्योंकि मल्टीपल इयर्स का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे जैन में और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, तो ऊपर में जो अपसाइड नजर आता है स्टॉक में वो एक लेवल देख लेते हैं। तो स्टॉक में एक इमीडिएट टारगेट जो बन रहा है वो बन रहा है एट अ प्राइस ऑफ 449 रुपीज। तो 449 रुपीज का इमीडिएट टारगेट, तो रिटर्न की बात करें तो करंट प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 32% का रिटर्न स्टॉक पे नजर आता है आने वाले एक से दो क्वार्टर में। तो हमारे पास सारे लेवल्स हमारे स्क्रीन पे आ गए, 32% का अपसाइड, फर्स्ट टारगेट 359 रुपीज, सेकेंड टारगेट 449 रुपीज, इमीडिएट स्टॉप लॉस 329 रुपीज और सॉलिड रॉक स्टॉप लॉस 274। तो सारे लेवल्स के साथ में स्टॉक में आप अपने ऐड कर सकते हैं एज SIP, ताकि अगर मार्केट गिरे भी तो आपके प्राइसेस एडजस्ट होते रहे। दूसरा स्टॉक जो एनर्जी सेक्टर के बास्केट में आपके होना चाहिए, तो दूसरा स्टॉक जो हमारे रडार रहना चाहिए वो भी क्रूड ऑयल से रिलेटेड है और स्टॉक का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ई देखें तो 5.4 बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक, ROCE 35, ROCE 36, बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल रेशियोज, बुक वैल्यू और करंट प्राइस का रेशियो देखिए तो 5.7-5.9, तो ऑलमोस्ट 1:1.8 का रेशियो के अप्रोक्सीमेटली है। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे करंट अवेलेबल, पैक रेशियो देखिए 0.0, ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत अमेजिंग है इसमें और कंपनी का डेट रेशियो भी कुछ नहीं है और सबसे अच्छी बात देखिए कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो 6.03% का डिविडेंड यील्ड भी है स्टॉक के अंदर। तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर्स स्टॉक के। अब टेक्निकल्स पे देखते हैं कि स्टॉक कैसा दिखा रहा, शोकेस कर रहा है, तो इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो हमारे सामने चेन्नई पेट्रोलियम का वीकली चार्ट खुला है। तो स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पे जो था दिसंबर 2007 में और ये रेट था 444 रुपीज का, एक लाइफ टाइम हाई बनाया। उसके बाद नेक्स्ट ट्राई अप्रोक्सीमेटली 2018 में किया ब्रेक करने का, नहीं कर पाया ब्रेक, फिर से कंसोलिडेशन और देखिए कितना लंबा ब्रेकआउट यहाँ मिला, कितने साल का, 2007 के बाद 2023 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 16 इयर्स का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं स्टॉक में, फिर देखते हैं सितंबर 23 में स्टॉक ने अपना ब्रेकआउट किया जो हमने बात करी 16 साल का ब्रेकआउट, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रैली दिखाई स्टॉक ने जो इसको लेके गया सीदा करंट प्राइस से डबल, द प्राइस ऑफ 955। हमारे पास एक लेवल आ गया 955 जहाँ पे स्टॉक गया और उसके बाद एक दो बार और ऊपर में लेवल बनाने की कोशिश करी लेकिन उस पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ऊपर में लेवल क्या बनाया 1065,000 रुपीज के आसपास और उसके बाद अब स्टॉक अराउंड 912 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए एक इमीडिएट सपोर्ट जो स्टॉक में नजर आ रहा है वो डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक का अराउंड बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 824 रुपीज का, 824 रुपीज का एक नीचे बहुत अच्छा बेस है स्टॉक में। अभी करंटली स्टॉक ने एक रैली करी और उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये जोन एक बहुत ही अच्छा एक्युमुलेशन जोन है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है ऊपर में 1000 रुपीज के ऊपर स्टॉक दोबारा जाता है तो स्टॉक फिर से एक नए लेवल्स को दिखाएगा जो अराउंड 1200 रुपीज के आसपास होएगा। तो करंट प्राइस से अगर हम देखें तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 35% का पोटेंशियल देने लगता है ये स्टॉक। ऊपर में हमारे पास टारगेट क्या करना हमें 1200 रुपए के आसपास, नीचे में इमीडिएट स्टॉप लॉस 824 रुपीज और रिटर्न 35%। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल का स्टॉक आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, SIP की तो अपने पोर्टफोलियो में ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इतने सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी भी अवेलेबल है इतने के बाद भी, तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तीसरा एनर्जी सेक्टर से जुड़ा स्टॉक आपके रडार में रहना चाहिए, उसका नाम है कोल इंडिया। तो 8.94 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है, बुक वैल्यू और 530 करंट प्राइस,
तो 1:4 के रेशियो पे रिटर्न। आरओसी और आरओसी देखें तो बहुत ही अमेजिंग 63 और 52। डेट टू इक्विटी 0.08 ऑलमोस्ट नेगलिजिबल और पैग रेशियो 0.54, मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है और डिविडेंड यील्ड भी 4.8। तो एज अ मोनोपोली स्टॉक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। टेक्निकली देख सकते हैं स्टॉक कैसा प्लेस्ड है, तो देखिए कोल इंडिया ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था अगस्त 15 में जो था अराउंड 444 रुपीज, 444 रुपीज का 2015 में, और अभी क्या प्राइस चल रहे हैं 529। तो आप ये समझिए, तो आप ये 2015 से लेकर 2024 ऑलमोस्ट 9 इयर्स, 9 इयर्स में स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो मात्र 20% रिटर्न दिया है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि स्टॉक अभी इतना अंडर वैल्यूड है, केवल 9 इयर्स में एक मोनोपोली स्टॉक कोल इंडिया जैसा से अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी 529 रुपीज पे है, तो मात्र 20% का रिटर्न दिया। तो ऊपर में पोटेंशियल कितना अपसाइड है आप इसी समझ सकते हैं, जहां इसका इमीडिएट टारगेट, तो हमने देखा नीचे 444 तो इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट हो गया, तो यहां से स्टॉक इमीडिएट 635 रुपीज के टारगेट के लिए पोजेस्ट है। जैसे ही मार्केट में रैली आएगी तो ये स्टॉक 635 रुपीज का टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है कमिंग दिन। तो इमीडिएट बहुत अच्छा स्टॉक 444 रुपीज का स्टॉप लॉस, 529 का करंट प्राइस, फंडामेंटल देखें। ये तीन स्टॉक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में SIP मंथली बेसिस पे ऐड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली ये 5 ग्लोबल सिनेरियो आपको अच्छा दे सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो को अच्छी गो दे सकते हैं। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसी वीडियो आप तक जल्दी